हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंटर टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम अपने प्रिंटर इप्सन या लेक्टी 16 से पीवीसी कार्ड प्रिंट करेंगे, वो भी बिना किसी ट्रे के इस्तेमाल किए बिना, और इप्सन का ही इंक रखेंगे, उसमें हम इंक भी चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पीवीसी का साइज कैसे सेट करेंगे, कौन सा पीवीसी आपको इस्तेमाल करना है, और डायरेक्ट प्रिंट आप कैसे करेंगे बिना किसी हार्डवेयर के या बिना किसी ट्रे के। तो ज़्यादा देर न करते हुए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और फोटोशॉप हमने खोल लिया है। हम यहाँ नया फाइल खोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी एक्चुअली साइज़ है। ये साइज़ में आप थोड़ा से भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप साइज़ छोटा बड़ा करते हैं तो आपकी पीवीसी प्रिंटिंग सही नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसकी विड्थ की साइज़ होगी 2.2, लेकिन सामने इंच रखेंगे आप पिक्सल के जगह। हाइट्स होगी 3.4, इसमें भी आप सामने जो है इंच ही रखेंगे। इसके अलावा रेजोल्यूशन आप 72 रखिए या 300 रखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम कोई फाइल उठा लेते हैं। हमारे पास तो ये है, चलिए फाइल तो बहुत बड़ी है, फिलहाल हम इसको सेट कर लेते हैं इस पर। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको देखते हैं कि आप प्रिंट करते समय आपको कौन कौन सी सेटिंग रखनी है। कंट्रोल पी दबाते हैं। यहाँ पे आपको A4 साइज सेटिंग रखनी है। इस ऑप्शन को आपको बंद कर देना है और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल टॉप मार्जिंग में आपको आके यहाँ पे आपको जीरो कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो चलिए हम इसको ओके करके आते हैं अपने मेन पेज पे। यहाँ हम अपने प्रिंटर का मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, और मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद जो है हम पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ प्लेन पेपर के अलावा आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ फ़ोटो पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं गैलेक्सी, और यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी को जो है हम हाई रखते हैं। चलो ओके करते हैं। प्रिंट करने से पहले फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि पीवीसी कार्ड आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। मैं जो पीवीसी कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीवीसी कार्ड मार्केट में कई तरह के होते हैं। ये हार्ड वाला पीवीसी कार्ड है जो L800 प्रिंटर में या L805 प्रिंटर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लूज वाला पीवीसी का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा पतला भी होता है। इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ था। तो चलिए हम इस कार्ड को प्रिंटर में डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको प्रिंट देके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसने आसानी से पीवीसी कार्ड को खींच लिया और प्रिंट करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, यदि आपका प्रिंटर पीवीसी कार्ड को नहीं खींच पा रहा है या प्रिंट करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उसका सलूशन हम ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप 3110, 3150 जैसे प्रिंटरों में भी इस तरह से आप पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको पीवीसी कार्ड प्रिंट करने में इन मॉडलों में कोई दिक्कत आती है, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसमें ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें।